नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं देवभूमि का लोकप्रिय चैनल लाइव उत्तराखंड। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 15 व 16 अक्टूबर को आयोजित हुई 13वीं यूपी स्टेट कुंफू चैंपियनशिप में प्रतिभागियों ने दमदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन समारोह में इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं कि कौन सी टीम कुंफू की इस प्रतियोगिता में चैंपियन के तौर पर उभरी। उत्तर प्रदेश कुंफू संघ के तत्वाधान में केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बहुदेशीय हॉल में 15 व 16 अक्टूबर 2019 को आयोजित हुई यूपी स्टेट कुंफू चैंपियनशिप का भव्य समापन हुआ है। यूपी स्टेट कुंफू चैंपियनशिप में कई जिलों से आए कुंफू खिलाड़ियों ने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। दो दिनों तक चली इस प्रतियोगिता के आखिरी दिन प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा 82 पदक हासिल कर लखनऊ जिला पहले स्थान पर रहा। वहीं झांसी 11 और जौनपुर जिला 9 पदकों को जीतकर दूसरे व तीसरे पायदान पर रहा। यूपी स्टेट कुंफू चैंपियनशिप में लखनऊ की टीम ने 40 स्वर्ण, 25 रजत पदक और 17 कांस्य पदक जीते। वहीं झांसी ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किए। प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहने वाली जौनपुर की टीम ने 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। यूपी स्टेट कुंफू चैंपियनशिप में करीब 15 राज्यों से आए 160 महिला व पुरुष कुंफू खिलाड़ियों ने सब जूनियर व सीनियर कैटेगरी में हिस्सा लिया है। देखिए, कोई भी खेल का जब आयोजन किया जाता है तो वो एक करिए प्रशंसा पात्र रहते हैं, इसलिए क्योंकि आज के युग में अगर देखेंगे विशेष करके बच्चों में जो खेल का प्रवृत्ति कम हो रहा है, इसके हो सकता है बहुत सारे कारण हों। होता कि बहुत सारे स्कूलों में खेल का मैदान भी नहीं होता है और जो एक टेक्नोलॉजी का, एक मोबाइल या टीवी का या इंटरनेट का जो युग चला हुआ, उसमें खेल की भावना को कम जो है तवज्जो दी जाती है। लोग विशेषकर बच्चे आसानी से उस पर डाइवर्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी भी तरह का, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो या राज्य स्तर पे, इस तरह का जो आयोजन किया जाता है तो उसे हज़ारों लोगों को प्रेरणा मिलती है। इसी तरह का जो है आज ये आयोजन में देखने को मिला है। 22 जनपदों से 160 यहाँ पे बच्चे आए हुए थे, प्रतिभा किया उन्होंने, अपने प्रतिभा को यहाँ पे दिखाया है और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, आयोजकों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ये 13वीं जो है कुंगफू स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश की 22 टीमों ने प्रतिभाग किया है। लगभग 360 लड़के लड़कियों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें पूरा कंपटीशन जो है लखनऊ जो हमारा ज़िला है वो चैंपियन रहा, जौनपुर जो है तीसरे पे, कौसाम्बी दूसरे पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चों में कुंगफू के प्रति जागरूक बनाने के लिए और उनके परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के सापेक्ष जो है ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी ने और राजेंद्र गौतम जी ने, इन लोगों ने ये प्रतियोगिता कराई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यही बच्चे आने वाले दिनों में जब हमारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगा उसमें भी इसमें से बच्चे प्रतिभाग करेंगे। और जैसा कि आज बताया गया कि इन लोगों की प्लानिंग है कुंगफू एसोसिएशन की कि विश्व चैंपियनशिप कराने का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लखनऊ के लिए और हमारे देश के लिए गौरव की बात होगी कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे कि खेल के प्रति बच्चों का रुझान रहे और आने वाले दिनों में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करके और ऊंचाइयों पर ले जाएं। दिनांक 14 से अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में उत्तर प्रदेश कुंफू संघ के द्वारा ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराई गई। ये प्रदेश में 13वीं प्रतियोगिता है जो कि लखनऊ में हुई। इससे पूर्व झांसी, कौसाम्बी, बहराइच, बनारस में प्रतियोगिता हो चुकी हैं
लखनऊ में करने का उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको अधिक से अधिक एक्सपोजर मिले। यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो विगत कई वर्षों से प्रतियोगिता खेलते रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य ये कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी में भाग लें। हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने वाली है उसमें यहाँ के उदयीमान खिलाड़ी भाग लें और भाग लेकर के भारतवर्ष का नाम रोशन करें, प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी बने। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम उनको इस तरह का संसाधन उपलब्ध कराएं, इस तरह के एक्सपोजर दें कि वे विश्व प्रतियोगिता में जाएं और यहाँ पर प्रदेश की शान बने। और मुझे कहते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि यहीं पर आकाश आनंद जैसा एक खिलाड़ी मौजूद है जो कि दलित वर्ग से है, परंतु उसने जाति की पराकाष्ठाओं को तोड़ते हुए परफॉर्मेंस के माध्यम से प्रदेश का नाम रोशन किया और बुद्धिज्म की गरिमा को बनाए रखा। उसने विश्व प्रतियोगिता में प्रतिभागिता किया अमेरिका में, फिर उसके बाद में आर्मेनिया में, और वहाँ पर स्वर्ण पदक जीते और जीत करके देश का गौरवशाली खिलाड़ी बना। अभी उसको भारतवर्ष के सबसे प्रतिष्ठित IWMF अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि कोची में किसी गैर परंपरागत कंपनी के द्वारा दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार है। वाकई कुंफू चैंपियनशिप में लखनऊ की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने 82 पदक हासिल करके सबसे ऊपर वाला स्थान प्राप्त किया। वहीं बता दें कि झांसी की टीम को दूसरा स्थान मिला, तो वहीं जौनपुर की टीम ने तीसरे स्थान पर अपना दबदबा बनाया। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देवभूमि का लोकप्रिय चैनल लाइव उत्तराखंड, खबरें उत्तराखंड की।